So students, continuation of this chapter in the third part here, see, South India. Just you learnt about North India and their kings. So during the Rajput era, many big and small states were established in South India. हम देखते हैं राजपूत युग में बहुत सारे छोटे और बड़े establish हो गए empires यहाँ पे South India में. After the dynasties of the after the demise of Pulkesin सेकेंड, जब इनका देहांत के बाद पुलकेसिन सेकेंड जो वहाँ के पावरफुल किंग थे, हिज वैस्ट एम्पायर डिसइंटीग्रेटेड इनटू स्मॉल स्टेट, उनका जो विशाल साम्राज्य था वो छोटे छोटे स्टेट्स में हो गया. द रुइन ऑफ मेनी रूलर्स ऑफ द चालुक्य डायनेस्टी नोट वर्दी. यहाँ पे देखते हैं चालुक्य डायनेस्टी के जितना दौर था एक तारीफ काबिल है. द किंगडम्स ऑफ द पल्लवा एंड द चोला डायनेस्टीज आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन द स्टेट्स ऑफ साउथ इंडिया. यहाँ पे जो किंगडम्स थे पल्लवा और चोला डायनेस्टीज की भी इसमें इंक्लूडेड है. नेक्स्ट, नरसिंह वर्मा वॉज ए स्ट्रॉन्ग रूलर ऑफ द पल्लवा डायनेस्टी के जो पावरफुल रूलर थे वो कौन थे, नरसिंह वर्मा. द एम्परर्स ऑफ दिस डायनेस्टी वर लवर्स ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर. इसके जितने भी एम्परर्स थे वो किसके चाहने वाले थे, कला और लिटरेचर के चाहने वाले थे. द कैलाशनाथ टेम्पल ऑफ कराची इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ पल्लवा आर्किटेक्चर. यहाँ पे देखते हैं कैलाशनाथ टेम्पल जो है वो कांची में जो है साउथ इंडिया में वो एक मशहूर है पल्लवा आर्किटेक्चर के लिए, यहाँ पे एक मशहूर है. नेक्स्ट देखते हैं, चोला डायनास्टी ऑल्सो रूल टू द साउथ. चोला डायनास्टी ने भी साउथ पे राज किया है. नेक्स्ट, तंजावर वॉज द कैपिटल था उनका. द रूलर ऑफ चोला डायनास्टी अटैक्ड सिलोन एंड एनेक्स्ड मेनी टेरिटरीज. ये चोला डायनास्टी ने सिलोन आज के दौर में श्रीलंका कह सकते उस पर वहाँ पर हमला किया और बहुत सारे जमीन एरियाज को कैप्चर कर लिया. द चोला हैड ए पावरफुल नेवी बिकॉज ऑफ विच दे कुड अटैक कंट्रीज इवन अक्रॉस द सी. उनकी जो नेवी थी वो वारफेयर में बहुत मशहूर था, इसीलिए वो लोग ने अक्रॉस द अदर दूसरी सी पे बहुत उनको कमांड था, इसके लिए उन्होंने इससे हटके भी बहुत सारे एरियाज को कब्जा किए. राजा फर्स्ट अडॉप्टेड ए वेरी सिस्टमेटिक वे ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन इस स्टेट. वो राजा जो फर्स्ट था इस युग में, उनकी एक सिस्टमेटिक वे ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन था उनके राज में. ही स्टार्टेड विद द मेजरमेंट ऑफ लैंड एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. इन्होंने स्टार्ट किया क्या, मेजरमेंट ऑफ लैंड, ज़मीन का मेजर करना, एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो इंस्टीट्यूशन आज हम देखते हैं इस तरह का उनके वक्त में ये वो इन्होंने स्टार्ट किया. नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, अपार्ट फ्रॉम देम द राष्ट्रकूट चेरा एंड पांड्या डायनेस्टीज आल्सो रूल इन साउथ इंडिया. ये डायनेस्टीज ने भी साउथ इंडिया में राज किया है. सो इट इज़ एविडेंट दैट मेनी डायनेस्टीज रूल एट डिफरेंट प्लेसेज ड्यूरिंग द राजपूत एज. There were frequent battles between them to annex each other's area. तो यहाँ पे आपस में युद्ध होते थे एक या दूसरों की ज़मीन को कब्जा करने के चक्कर में. Due to the internal conflicts, ये आपस की झगड़ों में there was no unity among them. उनमें कुछ एकता नहीं थी. Foreign invaders took advantage of this. जो foreign invaders है, जो हमलावर है दूसरी areas के, उन्होंने इसका फ़ायदा उठाते हुए इस पर उन पे जीत हासिल किए. वी विल डिस्कस द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कल्चर ड्यूरिंग द राजपूत एरा इन द नेक्स्ट यूनिट में हम इसको डिस्कस करेंगे. तो यहाँ पे हम देखते हैं अभी नेक्स्ट. तो राष्ट्रकूटा रूल्ड साउथ इंडिया. राष्ट्रकूटा ने साउथ इंडिया पे राज किया है विद द फॉल ऑफ चालुक्य डायनास्टी के पतन के बाद. राष्ट्रकूटा केम टू पावर. राष्ट्रकूटा मीन्स हेड ऑफ द स्टेट और एरिया. राष्ट्रकूटा का मतलब होता है हेड ऑफ स्टेट, एक स्टेट के हेड प्रमुख या एरिया के प्रमुख. इट इज़ बिलीव दैट, ये माना जाता है कि डैट द फाउंडर ऑफ द डायनास्टी वॉज एन ऑफिसर ऑफ दैट कम्युनिटी. इसके जो खानदान, ये जो कम्युनिटी के जो रूलर थे ये राज के ऑफिसर थे. एंड हैंस द डायनास्टी वॉज नेम्ड आफ्टर, इनके नाम पर रखा गया. आउट ऑफ मेनी रूलर, बहुत सारे रूलर्स में गोविंद थर्ड वॉज द मोस्ट पावरफुल किंग इन द 18th सेंचुरी में. गोविंद थर्ड बहुत पावरफुल रूलर थे. ही एस्टैब्लिश ए पावरफुल किंगडम इन द दक्कन. दक्कन में इन्होंने एक पावरफुल साम्राज्य को एस्टैब्लिश किया. नेक्स्ट हम देखते हैं स्टूडेंट, द पांड्यास आल्सो रूल ओवर साउथ इंडिया. पांड्यास ने भी साउथ इंडिया पर राज किया. द पांड्या डायनेस्टी इज बिलीव टू बी वेरी एंशियंट. पांड्या डायनेस्टी एक बहुत एंशियंट मानी जाती है. मेगस्थीन्स द ग्रीक ट्रैवलर नोट दैट फीमेल्स यूज टू रूल इन दिस कम्युनिटी. फीमेल्स भी इस कम्युनिटी में राज करते थे, इन्होंने बताया. द इंस्क्रिप्शन ऑफ एम्परर अशोक आल्सो कंटेन रेफरेंसेस टू द पांड्या. जो इनके इंस्क्रिप्शन थे एम्परर अशोक का आल्सो कंटेन, इनमें रेफरेंस इनके पांड्यास के बारे में रेफरेंस मिलते हैं. द पांड्यास रूल्ड इन प्रेजेंट डे मदुराई एंड त्रिनावेल इन तमिलनाडु.
जो पांड्यास होते थे आज के दौर में मदुराई तिरुनेलवेली तमिलनाडु में, यहाँ पे लोग उनका राज था। चेरास रूल ओवर साउथ इंडिया, चेरास ने भी साउथ इंडिया पे राज किया। चेरास इज नाउ नोन एज केरला। ओके, चेरास को अभी क्या कहते हैं प्रेजेंट, केरला इन एंशियंट टाइम। ओके, अभी प्रेजेंट इसका है केरला। केरला वॉज पार्ट ऑफ द तमिल स्टेट का पार्ट था। लेटर ऑन केरला और मलयालम स्टेट सेपरेटेड, अलग भाषा की उस पर यह स्टेट सेपरेट हो गया। नेक्स्ट, केपलापुत्र राज्य इज मैंशन इन द इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका, अल्थान में ये मैंशन किया गया। सेकंड, वॉज द फर्स्ट स्ट्रॉगर रूलर ऑफ दिस डायनास्टी, स्ट्रॉन्ग रूलर थे खानदान को। ओके, नेक्स्ट, चेरन शत्रुघ्न वॉज ए पावरफुल रूलर ऑफ दिस डायनास्टी। तो ये था साउथ इंडिया के किंगडम्स और किंग्स के बारे में। सो आई होप यू बेटर अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। थैंक यू स्टूडेंट्स।